हाय गाइस, दिस इज योर जस्ट मैम हियर। आई होप आप सभी अच्छे हैं। यू ऑल आर डूइंग फाइन। बच्चों, क्लास टेंथ के चैप्टर वन का वी हैव टू स्टार्ट टू टॉपिक्स टुडे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, एक्चुअली दीज आर द टू फिनोमिनन्स विच आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। ओके, दीज आर द कॉमन फिनोमिनल्स विच वी सी अराउंड अस, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, ये एक कॉमन दो फिनोमिनल्स है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो हम हमारे आसपास देखते हैं, विच वी ऑब्जर्व अराउंड अस। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू बोथ दिस फिनोमिनल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कोरोजन। वॉट इज कोरोजन? ओके, सो वॉट इज कोरोजन बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ undesirable substances on metal or eating up of the metals by action of atmospheric gases and moisture. Okay, it is known as corrosion. Means जब आपके जो metals होते हैं, okay, we know that some metals are quite reactive and we use so many objects made up of metals around you. तो जब ये object, जब आपका कोई metal atmosphere के जब contact में रहता है and there is a good amount of moisture also in atmosphere, तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो हमारे मैटर से रिएक्शन करने लगती है। मींस यू कैन सी दैट देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन द मैटर सरफेस एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। सो ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन हमारा जो मैटर है वो एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस में बदलने लगता है। ओके, वो खत्म होने लगता है, वो करोड खराब होने लगता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है। सो करोजन जो है दैट इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन होता है। ओके, बिकॉज करोजन की वजह से हमें लॉस होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स में काफ़ी आयरन यूज होता है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में, बॉक्सेस हैं, विंडोज की ग्रिल हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, नो? ओके, सो व्हेन दिस मेटल्स दे आर गेटिंग ईटिंग अप बाय द एटमॉस्फेयर, देन वी फील लॉस। ठीक है, हमें लॉस होता है, तो वो लॉस हम नहीं चाहते। दैट्स व्हाई कोरोजन इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन। ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन अराउंड अस। ओके, सो आउट ऑफ दिस द मोस्ट कॉमन एग्जांपल नंबर वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम जंग कहते हैं ना, जो हम कहते हैं ना कि लोहे पर, आयरन पर जो जंग लग जाता है। सो वॉट इज द रस्ट? वेन वी सी द रस्ट ऑन द आयरन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या देखते हैं कि आयरन का जो सरफेस है उस पर एक ब्रिटल ब्रिटिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनने लगता है, और अगर हमने उसे प्रिवेंट नहीं किया तो धीरे 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 वो सब्सटेंस बनता जाता है और हमारा आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा खराब हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन कोरोजन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही है। तो उसमें जो रस्ट हमारा बनता है, एक्चुअली हमारा जो आयरन है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वजह से इट स्टार्ट्स टू फॉर्म द आयरन ऑक्साइड एंड वी आर गेटिंग Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर वेसल्स। ओके, वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड अप ऑफ कॉपर ऑल्सो, कॉपर के भी काफी हमारे घर पे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, लाइक वी यूज अ स्मॉल लोटा मेड अप ऑफ कॉपर विच वी यूज टू इन द पूजा एंड ऑल, एंड वी आर हैविंग जग ऑफ कॉपर, सम पीपल यूज टू ड्रिंक वाटर इन द कॉपर विसल। तो जो कॉपर हमारा होता है वो अटैक होता है CO2 से। तो जब आप पुराना कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट देखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो आपका कॉपर का ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। ओके, तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग किस वजह से होती है?
कॉपर के ऑब्जेक्ट पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाता है, वो बनने लगता है वहां पर। दिस इज द फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एक बेसिक लेयर बनने लगती है गैसेस की वजह से, CO2 गैस और मॉइस्चर की वजह से कॉपर पे, उसकी वजह से आपका कॉपर धीरे धीरे ग्रीन कोटिंग उस पर बनने लगती है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पॉइजनस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जाम्पल, दैट इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दैट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ओके, अगर कहीं पर बहुत ही पॉल्यूशन वाली एयर है बच्चों, एंड देर आर लॉट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, एंड पॉल्यूटेंट्स आर सल्फर कंटेनिंग, ओके, देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ सल्फर इन द एयर, ओके, देन व्हाट हैपेंस, देन सिल्वर फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ओवर इट। ओके, देन इफ यू कैन सी ऑफनली दैट इफ यू यूज टू वेयर द सिल्वर ज्वेलरी, और अगर आपके पास काफी एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है, देन आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि आपकी जो सिल्वर ज्वेलरी है उस पर ब्लैक ब्लैक कवरिंग बनने लगती है। ओके, तो दैट इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। सो दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन प्रेजेंट अराउंड अस। ओके, आउट ऑफ दिस रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन, जो हम लोगों ने कई बार देखा होता है, एंड कई बार हमारे जो सब्सटेंसेस है वो रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से खराब हो जाते हैं, काफी लॉस भी होता है। ओके, सो वी हैव टू अप्लाई सम मेजरमेंट टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, हम कुछ मेजरमेंट्स, कुछ प्रिवेंशन लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं आयरन की रस्टिंग से। सो व्हाट आर दिस मेजरमेंट्स, लेट अस सी दैट हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, लेट अस सी। ओके, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग वी कैन सी, बिकॉज मोस्ट कॉमनली हम आयरन की बनी हुई चीजें हमारे पास पास काफी यूज होती हैं। जैसे एक मोस्ट कॉमन यूज है आयरन का कि मैकेनिक्स दे आर यूजिंग टूल्स मेड अप ऑफ आयरन, मशीनरी पार्ट्स दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन। ओके, सो वी कैन नॉट बेयर द लॉस ऑफ आयरन एवरी डे, नो, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर, प्रोटेक्ट, फर्स्ट बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ओके, लाइक टूल्स एंड मशीनरी पार्ट्स दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग बाय पुटिंग ऑयल्स एंड बाय पुटिंग ग्रीस ओवर इट। ओके, सो दिस ऑयल्स एंड ग्रीस दे आर द स्मूथ सब्सटेंसेस, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो आयरन के ऑब्जेक्ट और जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसके बीच में एक बैरियर का काम करेंगे। दे विल एक्ट लाइक के बैरियर ना, इन दोनों के बीच में कर्टन का काम करेगा, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो सीधे आयरन ऑब्जेक्ट पे अटैक नहीं कर पाएगी। ओके, सो जो टूल्स वगैरह है वो ऑयलिंग से प्रिवेंट किए जाते हैं, मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं ऑयलिंग और ग्रीसिंग, उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक कॉमन मेथड है। नेक्स्ट मेथड है बाय अप्लाइंग पेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो हम हमारे घर के ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाने के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए किसी के घर पे अगर इफ यू हैव ओल्ड आयरन बॉक्सेस एंड द ग्रिल्स ऑफ द विंडो दे आर मेड अप ऑफ आयरन, सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड दैट वी यूज टू पेंट देम। द डोर्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन दे आर पेंटेड बाय द ऑयल पेंट, सो द लेयर ऑफ द पेंट, द थिक लेयर ऑफ द पेंट, इट विल एक्ट लाइक अ बैरियर बिटवीन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड द एयर। ओके, वो एटमोसफियर और आयरन के बीच में जो आपका पेंट है वो एक ऑब्स्टेकल का, एक बैरियर का काम करेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो आयरन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती, तो हमारा जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा रस्टिंग से। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड। थर्ड मेथड इज बाय गैल्वेनाइजेशन। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। इन एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो वी हैव सीन दैट जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन, तो बहुत सारे आयरन की चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मशीनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन की
शीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन को प्रिवेंट करता है अटैक से, ओके, वो आयरन को ऑक्सीजन के अटैक से बचाने की कोशिश करता है। और जो खुद से जो जिंक है वो अपने ऊपर एक जिंक कार्बोनेट की बेसिक कवरिंग बना लेता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का की तरह एक्ट करेगी आपके आयरन ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, सो गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। ओके, एंड समटाइम्स वी यूज वन मेथड विच इज नोन एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। सो वॉट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन? इन दिस मेथड रिएक्टिव मेटल इज कनेक्टेड टू आयरन, prevented from rusting. For example, बेटा जो हमारे ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड सपोज ये ड्रेनेज पाइप है, तो इनको इलेक्ट्रिकली हम बहुत एक्टिव मेटल्स के ब्लॉक जैसे मैग्नीशियम है उनसे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर आपके लिए आयरन के लिए प्रोटेक्टिव रिएजेंट की तरह काम करेगा। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल बी अटैक्ड मोर, और जो आपका आयरन है वो बच जाएगा। मतलब ये गैल्वेनाइजेशन का दूसरा रूप है। गैल्वेनाइजेशन में हम इसमें सीधी कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर जिंक की, लेकिन कैथोडिक प्रोटेक्शन में एक किसी और मेटल का जो ब्लॉक है वो हम हमारे आयरन ऑब्जेक्ट से अटैच करते हैं, तो एक सेल टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम है वो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर लेता है। It is known as cathodic protection. So we use so many methods in our day-to-day life to protect iron from the rusting, because rusting अच्छा phenomenon नहीं है। Okay, आपका जो iron की चीजें हैं, आपके जो articles हैं, वो खराब हो जाएंगे, जो हम bear नहीं कर सकते। We cannot bear the economic loss. Okay, that's why we use these different methods to prevent corrosion of iron. Okay, so I hope corrosion is clear. The next example of oxidation in our day-to-day life is rancidity. So now let us see what is rancidity. Okay, students, so now let us see what is rancidity. Okay, rancidity is what? It is related to the food material. हमारे जो food material होते हैं वो भी air से attack होते हैं. They are also getting attacked by the oxygen of the air. तो हमारे जो food material में जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड आर्टिकल्स रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल and taste, it is called rancidity. बहुत सारे हमारे food articles ऐसे हैं, जैसे हम कोई नमकीन बनाते हैं, नमकीन जो होता है उसमें oil होता है, तो अगर आपका नमकीन आपने open रख दिया है किसी airtight container में आपने नहीं रखा है, then what happens? The oil present in the fried items, वो air will oxidize the oil, and oxidation करके वो कुछ इस तरह के substances वहां पे हमारे बनेंगे जिनकी वजह से आपका जो खाना है, जो फूड मटेरियल है, एंड वॉट एवर एडिबल आइटम्स आर देयर, दे विल गेट बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑल्सो। ओके, दे आर गिविंग द फॉल स्मेल, मीन्स यू कैन से दैट योर फूड विल स्टार्ट स्पॉइलिंग, इट विल स्टार्ट टू स्टील। ओके, सो दिस इज नोन एज द रेंसिडिटी। ओके, सो मेनी फ्राइड आइटम्स की रेंसिडिटी आप जनरली देखोगे, जैसे और चीज वगैरह है, अगर वो आपने ओपन छोड़ दिया है तो थोड़े टाइम में वो खराब हो जाता है, उसमें बैड टेस्ट हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो दैट इज ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ओके, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, वो हमारे खाने के स्टफ से रिएक्शन करने लगती है। ओके, उसका ऑक्सीडेशन करने लगती है जिससे आपका खाना जो है वो खराब हो जाता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन आर किचन एंड इन आर डे टू डे लाइफ, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। सो वॉट आर द प्रिवेंशंस, जनरल प्रिवेंशंस फ्रॉम रेंसिडिटी? वी कैन सी हियर दैट व्हाट आर द जनरल प्रिवेंशंस। फर्स्ट,
use of airtight containers. This is the first वेरी कॉमन मेजर जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं, विच वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ, दैट वी यूज एयर टाइट कंटेनर्स. ओके, इफ यू स्टोर योर फूड मटेरियल, फ्राइड फूड मटेरियल्स एंड ऑल स्नैक्स एंड ऑल इन द एयर टाइट कंटेनर, सो एयर विल नॉट अटेक योर फूड स्टफ एंड योर फूड स्टफ विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रेंसिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन. We used to keep our food material into a refrigerator in cold environment so that the oxidation of the food is prevented. It becomes very slow and it is prevented. The third method is flushing of chips packets by nitrogen. So nitrogen is a gas which is very unreactive, you can say it is very inert nature, it is having very inert nature. So the chips, okay, the chips packets and these snacks packets which we get from the market, they are flushed with the nitrogen. Okay, they are flushed with the nitrogen, so nitrogen will not give space to the oxygen and your food material will remain the safe. Okay, nitrogen wahan pe oxygen ko space nahi degi, oxidation nahi karne degi aapke chips ka. So nitrogen is acting like one of the preventive measure for packaged food materials which we get from the market. Okay, the next is, nowadays so many companies and so many food materials, they are having antioxidants. There are some chemical substances which are organic in the nature. For example, two substances are there, BHT and BHA. Okay, the full form are butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole. बच्चों अभी इनका structure और ये किस तरह के organic compound है, it is very much beyond from your scope, from the scope of your book and syllabus. राइट नाउ आप सिर्फ इनके नाम देख लीजिए कि ये दो ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं. व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, दे विल प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एसिडिटी. ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करने देंगे ऑक्सीजन को आपके फूड का. ओके, सो दीज आर द सम मेथड्स विच आर एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. ठीक है, टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ ड्यू टू एसिडिटी. So these are the two topics which are present in chapter number 1 and these are the ending topics of the chapter number 1. Very soon we will start the chapter number 2. Okay, till then you go through the topic, read from the book also. Book reading is very important and you stay safe, stay home, do take care of yourself and stay happy. Bye bye.